जगदलपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। पंजाब सनातन धर्म महासभा द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा में सैकड़ों भक्त शामिल हुए, जो शहर भर में गूंजती रही। जगदलपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जश्न इस बार भी पूरी भव्यता के साथ मनाया गया। पंजाब सनातन धर्म महासभा द्वारा गीता भवन से शुरू हुई शोभा यात्रा दंतेश्वरी मंदिर और SBI चौक से होकर गुजरी, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। भक्तों ने मटकी फोड़ का आयोजन भी किया। महासभा के अध्यक्ष नवरत्न जलोटा ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से यह परंपरा निभाई जा रही है और इस वर्ष भी पूरे शहर में श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा के समापन के बाद कल महासभा का अंत होगा और परसों महाभंडारे का आयोजन किया जाएगा। ये सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और जो भी दुख सुख का कारण होता है उसमें हम लोग प्रयोजन में शामिल होते हैं और हम लोग पंजाब सनातन धर्म सभा का कार्य सामाजिक कार्य है। इस कार्य में जो भी दुख किसी को प्रॉब्लम होती है या किसी बीमारी का कारण बनता है उसका हेल्प करते हैं, एजुकेशन में हेल्प करते हैं। मैं आपको यह अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले 30 वर्षों से हमारे समाज के द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता रहा है और इस वर्ष भी हमारे द्वारा भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करवाया गया है और उसी तारतम्य में आज हमारे द्वारा शोभा यात्रा माँ दंतेश्वरी मंदिर से होते हुए शहर भ्रमण करके वापस पंजाब भवन में उसकी समाप्ति होगी। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।